हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, संविदा कर्मी भर्ती में शामिल करने की मांग। जिले के प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने सोमवार को संविदा कर्मचारियों की भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन एवं बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक एवं जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक कर्मचारी जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अल्प वेतन मान होने, प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा समय पर वेतन भुगतान नहीं करने, कई प्रकार की वेतन कटौतियों के पश्चात कार्मिकों को वेतन भुगतान में हो रही देरी से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोरोना काल में उनकी स्थिति समय पर वेतन ना से अधिक खराब होने लगी है। प्लेसमेंट एजेंसियों के मार्फत लगे कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मांग की है कि इन समस्याओं के निवारण के लिए सरकार आगामी दिनों में आने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं सहायक कर्मचारियों को भी शामिल करे। उनके अनुसार सरकार ने जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 10.3 के अनुसार आगामी कनिष्ठ सहायक एवं कंप्यूटर अध्यापक की भर्ती में शामिल करने का वादा भी किया था। पूरे मामले को लेकर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर उनसे मिले हैं और उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। विधायक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप रामावत, उपाध्यक्ष लाल सिंह, सचिव बजरंग गौड़, कोषाध्यक्ष गणेश, प्रवक्ता मांगी दान, राजेश सिंह, थाना राम, कल्ला राम, दूधा राम, गणेश गौड़, सुरेश सिंह, अंकित सैन, कमलेश सोनी, पिंकी ब्रुजानी, पूजन समेत जिले के कई कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। मांगी दाना, मैं जिला रोजगार कार्यालय बाड़मेर कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और हमारे कार्यालय कई कार्यालय ऐसे जो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे चल रहे हैं। और यही नहीं कि यदि सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर ही बाहर निकल जाए तो सरकार का आधा काम ही ठप हो जाए। और किसी कोई पूछे कि आपकी तनख्वाह क्या है तो सर 7,500 रुपये तनख्वाह, वो भी पीएफ मिलती नहीं है, ग्रेचुटी, बोनस, हेल्थी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ठीक, इसके लिए सरकार ने अपने आज 3 साल हो गए, कर्ज माफी वाला बंद थे, बेरोजगारी भत्ते के थे, जितने भी थे वो पूरे कर सकते, तो सिर्फ हमारे ही क्यों बाकी रह गए। इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि जितने विकराल गए जितना बढ़ा रहे हैं कि ये मीटिंग हो रही है, समितियां बन रही है। समिति में करना के सर 7,500 तनख्वाह भी कोई काम होती है सर? प्लेसमेंट एजेंसी क्या आपको समय पर सैलरी देती? नहीं देती सर, 4-4, 5-5 महीने का देती। उन्होंने कहा है कि आपकी मांगों को सरकार नियमित करने की कोशिश कर रही है। मैं तो सिर्फ ये कोशिश वाले आश्वासन तकरीबन 3-4 साल से हमें मिल रहे हैं और हमारा ये स्पेशल निवेदन मीडिया कर्मी और ये मेवाराम जी सभी से हैं कि ये जितने प्लेसमेंट एजेंसी उन्हें विभाग थ्रू तो किया जाए, कम से कम जो तनख्वाह है वो तो हमें 7,000 मिले, 8,000 मिले, वो तो कम से कम महीने में मिलनी चाहिए, वो भी मिलती नहीं है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।